जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को ट्रायंगल से रिलेटेड कंसेप्ट बताएंगे। आप इसे ध्यान से देखें और समझने का कोशिश करें। ओके बच्चों, लेकिन आज का टॉपिक है, स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास का जो टॉपिक था एंगल, उसमें कुछ कंसेप्ट लेफ्ट रह गया था, जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल को आज हम क्लियर करेंगे और फिर हम आज का टॉपिक ट्रायंगल का है। ठीक है बच्चों, तो पिछले क्लास के कंप्लीमेंट्री एंगल, ये कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों एंगल समझने का कोशिश करेंगे। फिर आज का जो टॉपिक है ट्रायंगल, इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। दो एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। आपको कहेगा कि एक एंगल आपको 30 डिग्री है, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 माइनस 30, इसका कितना? 60। यानी एक 30 डिग्री होगा तो दूसरा कितना होगा? 60 डिग्री। तब ना आपको दोनों का सम मिलकर कितना बना? 90 डिग्री। आपको कहेगा एक एंगल आपको 40 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस 40 इक्वल टू 50 डिग्री। कोई पूछेंगे कि आपको एक एंगल 45 डिग्री दे देंगे और कहेंगे इसका कंप्लीमेंट एंगल क्या होगा? 90 माइनस 45 इक्वल टू कितना होगा? 45। आगे समझना, तो इस तरह से आपको कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए कहेंगे। तो आपको इसमें समझना क्या है कि दो एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यानी सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। ओके बच्चों, अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल को देखते हैं। कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा बच्चों? इसमें भी दो, जिस तरह से कंप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम था 90 डिग्री, इस तरह से इसमें दो एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एक एंगल एक्स है और दूसरा एंगल वाई है, तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे आपसे पूछेगा, कोई एक का वैल्यू दे देगा और कहेगा जैसे एक 70 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा सप्लीमेंट्री का? कितना होगा? 110 डिग्री। कोई कहेंगे कि आपको 120 डिग्री है तो 120 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे बच्चों? 180 माइनस 120 इसका टू 60 डिग्री। कोई कहेंगे कि आपको 130 डिग्री है एक एंगल और इसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? तो 180 माइनस 130 इसका टू कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। आगे समझ में, तो कंप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 180 डिग्री। ओके, तो आज का टॉपिक हम लोग जो है ट्रायंगल, अब इसका इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ट्रायंगल मतलब होता है बच्चों जिसमें ऐसा से जिसमें थ्री एंगल हो। ट्राय मतलब कितना? थ्री, और एंगल मतलब यानी जिसमें कितना एंगल हो? थ्री एंगल, इसको क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। ओके बच्चों, तो ट्रायंगल का कंसेप्ट समझते हैं। एबीसी में जो है कितने सेगमेंट है? थ्री सेगमेंट। कौन कौन? ए बी, बी सी और सी ए। कोई पूछेंगे आपसे कि ट्रायंगल में कितने सेगमेंट होते हैं?
तो क्या कहेंगे बच्चों, थ्री सेगमेंट कौन कौन, ए बी, बी सी और सी ए। फिर पूछेंगे आपके कि ट्रायंगल में साइड कितने होते हैं, तो साइड भी कितने होते हैं, थ्री साइड होते हैं, तो जितना जो सेगमेंट है वही हमारा साइड है, तो ए बी, बी सी, बी सी और सी। फिर पूछेंगे आपको इसमें एंगल कौन कौन है, तो आपको एंगल पूछेंगे, आप क्या कहिएगा कि एंगल में इसमें थ्री है, कौन कौन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। आपसे पूछेंगे कि एंगल को डिनोट हम कैसे करेंगे, तो कहेंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी को हम एंगल ए कहते हैं, बी ए सी को क्या कहेंगे, एंगल ए, बी ए सी या सी ए बी भी आप बोल सकते हैं, सी ए बी इसको भी क्या कहेंगे, एंगल ए। बी इसके जो टर्म होता है इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से बी पूछेंगे एंगल बी क्या कहेगा, ए बी सी, एंगल बी पूछेंगे तो क्या कहेगा, एंगल ए बी सी को हम क्या डिनोट करते हैं, डी से। आपको कहीं देखा, आप कहीं देखे होंगे कि ट्राइंगल को इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना, जिसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा, ग्रीक लेटर है डेल्टा। तो आपको कहेंगे कि ट्राइंगल को जो है डिनोट हम कैसे करते हैं, तो डेल्टा से डिनोट करते हैं, ट्राइंगल को डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा से। समझ में आ गया। आपसे पूछा जाएगा ये जो थ्री एंगल है ट्राइंगल का, ये थ्री एंगल का सम कितना होता है, तो आप क्या कहिएगा बच्चों, ये थ्री एंगल का जो सम होता है, एंगल ए बी और सी, यानी थ्री एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री। थ्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके बच्चों, आपसे पूछा जाएगा इसमें वर्टिस कितना है, आप कहेंगे वर्टिस तो हम समझ नहीं रहे कि वर्टिस होता क्या है, तो वर्टिस बच्चों होता है जब दो सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है, जब दो सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है वही वर्टिस कहलाता है। तो ट्राइंगल में जैसे आपको कहेंगे बी ए और सी ए दोनों के जो मिड पॉइंट है कौन है, ए है, तो ए हमारा क्या कहलाएगा, वर्टिस कहलाएगा। इसी तरह से बी भी हमारा क्या कहलाएगा, वर्टिस, और सी भी क्या कहलाएगा, वर्टिस। समझ में आ गया। तो वर्टिस हमारा कौन कौन हो जाएगा, ए बी और सी, थ्री वर्टिस हो गया, थ्री एंगल हो गया, थ्री सेगमेंट हो गया, थ्री साइड हो गया, ये हमारा ट्राइंगल का प्रॉपर्टी ट्राइंगल से रिलेटेड। अब जो है इसका टाइप्स हम जानने का कोशिश करेंगे, क्या जानने का कोशिश करेंगे, इसके टाइप्स आते हैं, चलिए देखते हैं टाइप्स इसका क्या क्या होता है और कौन कौन सा टाइप्स होता है। According to angle, बच्चों जब हम कहेंगे टाइप्स ट्रायंगल के कितने होते हैं, तो आपको यहां पर क्वेश्चन करना है कि अकॉर्डिंग टू एंगल या फिर अकॉर्डिंग टू साइड, किसके अकॉर्डिंग, साइड के अकॉर्डिंग कि एंगल के अकॉर्डिंग, दोनों का डिफरेंट होता है। साइड के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स होते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स होते हैं, और ये अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल हम देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एंगल जो है इसका फर्स्ट स्टेप है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो है बच्चों आपको बताया थे एक्यूट एंगल का प्रॉपर्टी,
कि एक्यूट एंगल में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके बच्चों, तो जब 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसका मतलब है कि एक्यूट एंगल, ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल में जितने भी एंगल है ये सभी एंगल का जो मान होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का ही होगा। और एक और हम इसमें जानते हैं कि इसका जो सम होता है ये होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री से नहीं ज्यादा होना चाहिए और नहीं कम होना चाहिए। तो कोई कुछ कहेंगे कि आपको एक एंगल दे दिया है 30 डिग्री, और कहेंगे कि आपको एक एंगल दे दिया 50 डिग्री, और तब कितना हो जाएगा 30, 50, 80, और ये एंगल कितना होगा 100, तब ना बनेगा 180 डिग्री। तो आप बच्चों बताइए ये 100 डिग्री जो है आपको एक्यूट एंगल है नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, 0 और 90 के बीच में रखना होगा। तो एक एंगल सपोज डेट कि आप ले लेते हैं 60 डिग्री, एक एंगल ले लेते हैं 40 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब इसमें देखिए बच्चों सभी एंगल 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में है, इसका मतलब ये क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ओके बच्चों समझ में आ गया, और डेफिनेशन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। आगे समझ में, यानी सभी एंगल कितना होना चाहिए 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, और इसका सम होना चाहिए 180। सेकेंड जो टाइप है यह है आपको सेकेंड टाइप, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल में आपको बताया थे कि हमारा कितने डिग्री राइट एंगल होता है 90 डिग्री, कितने डिग्री होता है 90 डिग्री, यानी एक एंगल जो होगा आपको कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, तब इसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बच्चों, तो जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बाकी जो दो एंगल बचा हुआ है आपको ये एंगल कितने डिग्री का होगा, एक्यूट एंगल होगा, एंगल कितना होगा एक्यूट एंगल, यानी 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होगा। फिर पूछेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो है एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, तो बाकी जो बचे दो एंगल जो है वो कितने डिग्री के होंगे, तो कहेंगे जो भी होगा एंगल 0 और 90 के बीच में ही होगा। आगे समझ में, थर्ड जो हम लोग देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब तो आप जान रहे हैं ना, ऑब्ट्यूज मींस कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ए बी और सी, ये एंगल जैसे 120 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलकर हमारा कितना बनेगा, ये 120 है, इसका मतलब कि अब हमारा कितना बचा है 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल को सम हमारा कितना होना चाहिए 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल में का जो तीनों एंगल का जो सम होता है 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब हमारा 120 है इसका मतलब ये एक एंगल ले लेते हैं 40 डिग्री, इसका मतलब ये कितना होगा 20 डिग्री, तब 40, 20, 60 और 120 मिलकर कितना बनेगा 180 डिग्री, कितना बनेगा 180। तो समझ में आ गया कि अब ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो है एक एंगल जो होगा हमारा क्या होगा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, कितना होगा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, कोई भी एंगल यदि एक होता है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। लेकिन ध्यान रखना है ये भी बच्चों कि तीनों एंगल जो सम है ये 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू साइज अकॉर्डिंग टू साइज से जो है ट्राइंगल में कितने टाइप्स होता है, इसमें भी थ्री टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइज। समझ में आ गया बच्चों, इसमें भी कितने टाइप्स पढ़ेंगे, थ्री टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप्स जो है इक्वल लेटरल ट्राइंगल, फर्स्ट टाइप्स क्या है इक्वल लेटरल ट्राइंगल। फर्स्ट टाइप क्या है बच्चों, इक्वल लेटरल ट्राइंगल। फर्स्ट टाइप्स क्या है इक्वल लेटरल ट्राइंगल। जब इक्वल लेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, इक्वल लेटरल इक्वल का मतलब जान ही रहे आप, बराबर होता है, समझ गए बच्चों। तो जिसमें ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी साइड हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बराबर, इसको क्या कहेंगे इक्वल लेटरल ट्राइंगल। इसका हिंदी जो होता है बच्चों, क्योंकि हिंदी वर्ड से इसमें समझने में आसान होता है, इसलिए आपको हिंदी वर्ड बता रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है बराबर, जिसका इंग्लिश आप जानते हैं इक्वल, और बाहु मतलब होता है भुजा, और भुजा का इंग्लिश होता है बच्चों साइड, समझ गए। बाहु मतलब भुजा, और भुजा का इंग्लिश क्या होता है साइड, और त्रिभुज आप जान ही रहे हैं, यानी इक्वल साइड होना चाहिए ट्राइंगल को। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए इक्वल। तो जब सभी साइड इक्वल होगा तब इसको क्या कहेंगे, इक्वल लेटरल ट्राइंगल। इक्वल लेटरल ट्राइंगल पे थोड़ा सा और प्रॉपर्टी इसमें हम जान लेते हैं गहराई से। देखिए बच्चों, इसमें जो है ए बी बराबर बी सी और बराबर सी ए, तीनों साइड इसमें इक्वल होना चाहिए, और जब तीनों साइड इक्वल है इसका मतलब तीनों एंगल भी इक्वल होगा। कोई भी फिगर में बच्चों जितने साइड इक्वल होता है उतना एंगल भी इक्वल होता है। इसमें जो है ए बी के सामने का एंगल क्या होगा, एंगल सी होगा, और बी सी के सामने का एंगल क्या होगा, एंगल ए होगा, और ए सी के सामने का एंगल क्या होगा, एंगल बी होगा। एंगल सी एंगल ए और एंगल बी भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और हम जानते हैं कि तीनों एंगल के जो सम होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तीनों एंगल के सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए बी एंगल सी तीनों का कोई एक सम डिनोट कर सकते हैं, तो सपोज डर के एंगल ए को एंगल ए लिखते हैं, बी को हम एंगल ए भी लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर एंगल ए है, इसका मतलब एंगल ए हम इसको डिनोट कर सकते हैं, और एंगल सी बराबर एंगल ए है इसको भी हम एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए तो कितना हो जाएगा, थ्री एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो जब थ्री एंगल ए तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन थ्री इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों थ्री होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 60 डिग्री। जब एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल ए के इक्वल है एंगल बी, एंगल बी के इक्वल है एंगल सी, तो सभी आपस में क्या इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, सभी एंगल आपस में कितना बनेगा 60 डिग्री। तो इक्वल लेटरल ट्राइंगल में बच्चों एक बात और ध्यान रखना, इसमें सभी एंगल जो होता है ये 60 डिग्री का 60 डिग्री होता है, सभी एंगल कितना होता है 60 डिग्री। कोई पूछेंगे आपसे इक्वल लेटरल ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, तो थ्री साइड। इसमें सभी साइड का क्या प्रॉपर्टी है, सभी साइड आपस में इक्वल होता है, सभी एंगल आपस में इक्वल होता है, और यह प्रत्येक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का मान रखता है। समझ में आ गया बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, आइसो स्केल ट्राइंगल। नेक्स्ट टाइप क्या है,
एसओएसएल ट्रायंगल का जो हिंदी होता है बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज, क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, सम मतलब तो आप जान ही रहे हैं, अब ये बताए तो इक्वल होता है, द्वि मतलब होता है टू, ठीक है, और बाहु का मतलब होता है साइड अर्थात भुजा, और त्रिभुज मतलब तो जान ही रहे आपको ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें कितना टू साइड्स, कितने साइड टू साइड्स इक्वल हो, कितने साइड इक्वल हो टू साइड इक्वल हो, इसको क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या कहेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल। इसमें जो है एक तो ऐसे बन जाएगा आपको से, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और एक जो है आपको इस तरह का भी बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपको क्या कहेगा आइसोस्केल ट्रायंगल। समझ में आ गया बच्चों, जब इसमें दो साइड इक्वल है इसका मतलब दो एंगल भी इक्वल होगा, कौन कौन एंगल इक्वल होगा, तो इस साइड का सामने का एंगल ये हुआ और इस साइड का सामने का एंगल ये हुआ, तो एंगल ए इस पर क्या हो जाएगा एंगल सी, और साइड का एंगल क्या होगा ए बी इस पर टू बी सी। समझ में आ, ठीक, इसी तरह से इसमें भी देख लेंगे, डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अब डेफिनेशन जो है नोट नोट करके चलिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कर देखते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलन का मतलब हिंदी में होता है बच्चों विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल नहीं हो, कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल नहीं हो, इसको क्या कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज, कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल नहीं होगा, जैसे नहीं तो ए बी, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू सी ए, तब इसको क्या कहेंगे स्केलन ट्रायंगल, क्या कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। तो समझ में आ गया ट्रायंगल का टाइप्स अकॉर्डिंग टू एंगल और अकॉर्डिंग टू साइड, यानी कितने टाइप्स हम लोग पढ़े, छह टाइप्स पढ़े हैं, और ये सिक्स टाइप्स को अच्छे से समझ गए हैं, और इसका डेफिनेशन भी आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सेंटर के बारे में जानने का कोशिश करेंगे, और इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और फिर इसके बाद जो है थ्योरेटिकल जो प्रूव होगा, जैसे हम इसका जो अंदर का यानी ट्रायंगल का जो सम होता है, एंगल का जो सम 180 डिग्री होता है वो कैसे होता है, इसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।